राहुल गांधी के करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला ताबड़तोड़ इतने चुनाव हारे कि 2029 में चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। अब 2024 में फिर लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो पुरानी हार का दर्द एक बार फिर उभर कर सामने आ गया। इस बार उन्होंने अपनी भड़ास वोटर्स पर ही निकाल दी। हरियाणा में 2019 में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार वो कम से कम चाहेगी कि उसका खाता तो खुल ही जाए। कांग्रेस जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गई है, लेकिन वोटर्स को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने ऐसा कह डाला कि कहीं कांग्रेस को लेने के देने न पड़ जाएं। कैथल में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली हुई, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने जनाक्रोश प्रदर्शन में कहा कि जो लोग बीजेपी और जेजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी समर्थक हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मैं महाभारत की इस भूमि से आज उन्हें श्राप देता हूं। मतलब ये कि बीजेपी को वोट देने वाले सारे लोग राक्षस हैं। सुरजेवाला के इस बयान को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ वोटर्स की बेइज्जती कर रही है, बल्कि उन्हें श्राप भी दे रही है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने ये सारी हदें पार कर दी और अब 2024 में साफ हो जाएगा कि जनता किसे आशीर्वाद देती है और किसे श्राप। कांग्रेस सांसद के बयान पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केवल राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकता है। मुझे लगता है कि ये असंसदीय भाषा है, हम इस पर जरूर संज्ञान लेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार ने महिलाओं, किसानों और गरीबों की थाली से रोटी छीनने का काम किया। किसानों को फसलों का दाम नहीं दिया, लागत पर डबल मुनाफा नहीं दिया। गृहिणियां महंगाई की मार से परेशान है। किरण चौधरी ने कहा कि इस बार मीठी गोली नहीं चूसनी है, राज लेकर आना है। राज तब आएगा जब एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करोगे। रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव की प्रतिक्रिया दी और ओपी धनखड़ ने कहा कि शायद भगवान ने ही रणदीप सुरजेवाला की मति हर ली है। जाको मैं दारुण दुख देऊ, ताकि मति पहले हर लेऊ। जनता जनार्दन ईश्वर का विराट रूप है। मतदाता ईश्वर को राक्षस प्रवृत्ति का कहना घोर अपमानजनक है। हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने भी रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता जनार्दन है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के लिए जनता उस समय राक्षस बन जाती है जब उसे वोट न दे। विप्लव देव ने कहा कि ऐसे अहंकार को कुरुक्षेत्र ने महाभारत में भी हराया था, अगले चुनाव में भी हराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।